सो हाय गाइस, तन्मय द सेट फ्रॉम वेजी बाजी। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग खाने वाले हैं पिज्ज़ा। और सिर्फ पिज्ज़ा नहीं, और चीज़ें भी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, बट अभी फोकस करते हैं पिज्ज़ा पे। जो पिज़्ज़ा बनने वाला है सिर्फ मशीन पे, मतलब आटा गूंदने से लेकर उसमें वेजीज जो जलेगी और चीज़ डलेगी और जो उसकी कुकिंग होगी सब की सब मशीन में होगी और 5 मिनट के अंदर होगी। और पिज़्ज़ा के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी ऑटोमेटेड चीज़ें मिलती हैं। मतलब लोगों ने ऑटोमेटेड फ्राइज खाए थे और ऑटोमेटेड पिज्ज़ाज खाए थे। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या रहता है, टोकन डालो, 140 सेकंड वेट करो और मस्त फ्राइज बन के रेडी। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, अंदर आपको पूरा चल के दिखाता हूँ कैसे प्रोसेस होता है और कैसे ऑर्डर करते हैं और कहाँ पे है ये, क्योंकि ये जो है इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है। अगर आपको याद होगा, अगर आप चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हो, तो मैंने अभी रिसेंटली डाली थी अहमदाबाद में ऑटोमेटिक डोसा, जो बेसिकली जैसे मैं आपको आज पिज्जा दिखाने वाला हूँ वैसे वहां पे डोसा बन रहा था। और क्या कमाल की चीज थी, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट करना। और अभी फिलहाल तो अगर आपने मेरे ट्रैवलिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जिसपे मैं अभी जागृति यात्रा की सीरीज कर रहा हूँ और मुंबई की भी सीरीज चल रही है, मुंबई में क्या क्या ट्रैवलिंग की बढ़िया बढ़िया जगहें हैं, मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आप मुंबई में हो, तो वो सब कुछ ट्रैवलिंग बाजी पे आएगा। ऑनगोइंग सीरीज चल रही है जागृति यात्रा की, 15 दिन की ट्रेन जर्नी। तो ट्रैवलिंग बाजी पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आने वाला है, आता है हफ्ते में 3 बार, मंडे वेंसडे और फ्राइडे। और यहाँ पे वेजी बाजी पे हफ्ते में 4 बार, जो होता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे। तो मतलब पूरे हफ्ते के 7 दिन आपका बाजी कंटेंट ला रहा है वेजी बाजी और ट्रैवलिंग बाजी पे। तो फटाफट जाके ट्रैवलिंग बाजी को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं करा तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपने कभी ऐसा ऑटोमेटिक पिज्जा खाया, क्योंकि मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा पिज्जा खाने वाला हूँ इस वीडियो में। अब बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1। ये मशीन से पानी जाता है ऊपर डो से, उसमें आटा गिरेगा, मशीन आटा गूंदेगा। आटा गूंद के हो गया, आटा गूंद गया। और अभी वो बॉल कहाँ बनता है? अभी उसका साइज लेगा। अच्छा, अभी कच्चा पक्का वो नहीं, वो गीला आटा होगा ना? गीला मतलब हाँ गीला रहता है, अभी वो तवे पे जाएगा, उसका राउंड शेप दे देगा। ठीक उसका राउंड शेप। अच्छा, इसके अंदर फ्रीज रहता है, 2 सेकंड होती है उसके, फिर उसमें टॉपिंग्स डालेंगे, टॉपिंग्स हो जाने के बाद आपको ओवन पे आएगा, ओवन पे हीट होने के बाद आपको डिलीवरी। ओवरऑल प्रोसेस 5 मिनट आपको पिज्जा मिलेगा। अच्छा, यहाँ कितना देर लगता है, यहाँ कितना देर लगता है? यहाँ पे मिनिमम 2 यहाँ पे 10 सेकंड लगते हैं आधा रेडी होने में। आधा होने का सोच डालते जो भी मशीन आप रीड कर सकते हो। अच्छा, जो प्रोसेस चल रहा है अभी। हाँ, आपका पिज्ज़ा कहाँ पे पहुँचा है सर? अच्छा, ट्रैकिंग रहता है। हाँ, तो अभी यहाँ पे मेरे को कुछ करना है? नहीं, जैसे कि अभी टॉपिंग्स के पास गया आपका पिज्ज़ा, रीड कर सकते हो कि आप टॉपिंग्स के पास आपका पिज्ज़ा गया। हाँ, उसके बाद टॉपिंग्स गिरेगा वो देख सकते हैं क्या? नहीं, सीक्रेट। उसका टेम्परेचर रहता है ना, टेम्परेचर पे रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यहाँ से देखें आपका पिज्ज़ा अभी आएगा, बट वो अभी यहाँ पता चला। अभी रेफ्रिजरेटर में आ गया, यहाँ पे आ गया, वो आ गया। इसको डाला, इसमें डालूं? हाँ, बस बटन कौन सा? ये कोई भी ये फर्स्ट 140 सेकेंड काम डाल टू कंप्लीट इन योर प्रेशर। ओके,
140 सेकेंड काम कम्प्लीट, जैसे आपको प्राइस आएगा नीचे से आएगा यहाँ पे आ गया। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे सोच अभी बैठ के 140 सेकेंड वेट करना है। प्लीज टेक द सॉस। वो अच्छा टाइमर भी चलता है यहाँ पे। और अगर सॉस ज़्यादा चाहिए तो दैट्स नाइस है, रियली क्रेजी। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है और पिज़्ज़ा को बनने में सिर्फ लगे 5 मिनट 15-20 सेकंड लगे डो को आटा वाटा गूंदने बूंदने में। वहाँ से गया वो रेफ्रिजरेटर सेक्शन पे जहाँ पे डो बनने के बाद उसमें सारी वेजिटेबल्स गिरी, फिर वहाँ से गया अवन में, अवन में पूरा अच्छे से पिज़्ज़ा सिक गया। और अभी आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कैसा लग रहा है, कमाल का। इसके ऊपर जो फ्राइज़ मैंने डाले हैं वो सिर्फ क्लिकबेट के लिए डाले हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो। और ये क्लिकबेट का आइडिया बिल्कुल और बिल्कुल रिशप्रीत का था। ये ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो अब खाने शुरू करते हैं। मेरे को इस पिज़्ज़ा के बारे में इस महान इंसान ने बताया है और अगर ये पिज़्ज़ा अच्छा नहीं हुआ तो ये तेरी गलती होगी। मशीन ही गलती है ना। तब खाना शुरू करते हैं। चलो साहब एक एक पिज़्ज़ा उठाते हैं। प्राइस वाला, प्राइस तो खाओ पहले। तू डाल ले, मैं सॉस वाला खाता नहीं। मैं भी नहीं, मैं वही पूछ रहा था आपसे। अच्छा मैंने मशीन के हिसाब से डिसेंट। तो ये पिज़्ज़ा है, दिस इज़ अ 10 इंच का पिज़्ज़ा विच इज़ लाइक अ मीडियम साइज पिज़्ज़ा और 220 रुपीज़ इसका प्राइस है। बट आई वुड से वंस, एक बार तो आना बनता है यहाँ पे, है ना? एक बार आना, एक्सपीरियंस करना, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो अभी खाते हैं और देखते हैं कैसा पिज़्ज़ा। मैं आपको सच्ची बताऊँ, अगर उसके साथ कोई बढ़िया सी मॉकटेल होती ना मुझे मज़ा आता। वो 5 रुपये वाली मॉकटेल। ओ अभी हमने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे 5 रुपये वाली लेमन और कोकम पिया था, वो इसके साथ मिल जाते हैं। बट कहीं से भी कच्चा नहीं है ना, कहीं से भी गुड, बट थोड़ा सा थिन थिन क्रस्ट है, टेस्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट मशीन की ज़्यादा अच्छा है। मशीन बना रहे हैं गुड स्टॉप। तो मैं आपको अभी बताऊँ कि मैंने कुछ कुछ ऐसे पिज़्ज़ास खा रखे हैं कुछ कुछ ऐसे कैफेज़ में जो इससे बेकार है। तो ये काफ़ी, मतलब दिस इज़ द फैक्ट दैट ये मशीन में बना है, रेलवे स्टेशन पे बना है, 220 रुपये इसका प्राइस है। इनक्रेडिबल। मैंने बोरीवली में एक सैंडविच खाया था 400 रुपये का सैंडविच, उससे लाख गुना बढ़िया आधे प्राइस में मशीन में दे रहा है। इनोवेशन। उसकी वीडियो अगर आप देखोगे ना जो यहाँ आई बटन में लिंक्ड होगी, खैर ये पॉजिटिव वीडियो है, बहुत बढ़िया चीज़ है, आई एम रियली लाइकिंग, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कम। और यहाँ पे सिर्फ पिज़्ज़ास नहीं बनते मशीन पे, यहाँ पे पिज़्ज़ास, आइसक्रीम्स, जूसेस और फ्राइज बनते हैं। अभी हम लोगों ने ये लिए हैं पेरी पेरी फ्राइज जो मशीन में फ्राई हो रखे हैं, और डिसेंट गुड स्टॉप। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनोवेटिव होने के बाद टेस्ट मेंटेन कर रहा है। आई गिव इट अ सॉलिड रिकमेंडेशन कि आप कभी भी आओ और खाओ और ट्राई करो और बताओ, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताओ कि आपने खाया था, आपको कैसा लगा था। इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं करो तो यहाँ पे लिंक सारे क्या वेट करो, फॉलो करो जाके यार। और मैं आपसे बात करता हूँ ये पिज़्ज़ा पूरा ख़त्म करने के बाद। ए मेरा पिज़्ज़ा, ये मेरा पिज़्ज़ा है, मेरा मेरा स्लाइस।
सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये पिज्जा, क्या आपको लगा कि ये पिज्जा अच्छे से बना हुआ था, मतलब वेल कुक था कि नहीं था, क्योंकि मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मुझे लगा ये पिज्जा बहुत अमेजिंग था, मतलब काफी सारे रेस्टोरेंट्स को इसने मात दे दी और ये पिज्जा पूरा का पूरा जैसे मैंने आपको बताया मशीन में बना था 5 मिनट के अंदर और फ्राइज भी क्या कमाल के थे, मतलब जस्ट इसके अंदर जो चीज ऊपर से डाली हुई थी लेयरिंग करी हुई थी और फ्राइज में जो पेरी पेरी मसाला था वो भैया ने डाला था, वरना सब कुछ ऑटोमेटिक था, मजा आ गया खा के। और अब आपने मेरे ट्रैवलिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके किस बात की देर कर रहे हो, अगर अभी तक नहीं करा उस पर इतने अमेजिंग वीडियोस आ रहे हैं ना अक्रॉस इंडिया। जागृति यात्रा की सीरीज चल रही है जो 15 दिन की ट्रेन जर्नी थी, अराउंड 8000 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया, पूरा इंडिया घूमा। उसका सीरीज का 4th एपिसोड मंडे को आने वाला है और साथ साथ में मुंबई की भी सीरीज चल रही है और नेक्स्ट वीक से कोलकाता की सीरीज आ जाएगी जिसमें मैं आपको कोलकाता की बहुत बढ़िया बढ़िया म्यूजियम दिखाऊंगा, कोलकाता में कैसे ट्रैवल करें और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ट्रैवलिंग पाजी भी आने वाली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो और अगर वेजी पाजी पे नए आए हो और वेजी पाजी को सब्सक्राइब नहीं करा तो वेजी पाजी को जाके सब्सक्राइब करो, किस बात की वेट कर रहे हो, साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दो क्योंकि ऐसी ही यमी यमी वेजिटेरियन वीडियोस आती है हफ्ते में 4 बार। मुंबई फूड सीरीज का ये 2nd लास्ट एपिसोड था, लास्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी यहाँ पे आई बटन पे जाके चेकआउट करो। मैं तन्मय फ्रॉम वेजी पाजी अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया जगह की तलाश में, आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन, बाय बाय नाउ।